खिचड़ी फेम एक्टर अनंग देसाई जब हमारे प्लेटफॉर्म यानी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आए तो उन्होंने ढेर सारी बातें हमारे साथ शेयर की। उन्होंने फिल्म गांधी के बारे में हर एक चीज बहुत ही बारीकी के साथ बताई। उन्होंने बताया कि आखिर गांधी फिल्म में उनकी कास्टिंग कैसे हुई थी, आखिर कितने बार उनका लुक टेस्ट हुआ और कैसे हुआ उनका सिलेक्शन। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। आपके जो सीन थे वो किस किस के साथ थे, कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो? हाँ, सीन तो इन लोगों के साथ ही थे, गांधी जी के साथ थे, नेहरू जी के साथ थे, मतलब बेन किंग्सले, रोशन सेठ, सईद जाफरी, रोहिणी हातंगड़ी, एलेक पदमसी, जिन्होंने ये सब, नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल, कस्तूरबा गांधी जी, ये सब इन्हीं इन्हीं के साथ मेरे सीन थे। ओके, हबीब तनवीर जैसे लोग, क्या महान लोगों ने काम किया था सर, मतलब वो एक बहुत अच्छे अच्छे लोग। हाँ, सारी कास्ट बहुत अच्छी थी। हबीब जी के साथ मेरा कोई सीन नहीं था, मगर इसमें पूरी कास्ट ही बहुत अच्छी थी और चुन चुन के उन्होंने कास्ट किया था, क्योंकि एक तो हमारा इतिहास था जो बहुत पास का इतिहास था, तो उन कैरेक्टर्स को जैसे दिखना भी थोड़ा बहुत जरूरी था, चाहे मेकअप से वो करें चाहे करें, मगर वो रिजेम्बलेंस होना भी जरूरी था। मतलब सर मैं ये देख रहा हूँ कि उस समय की जितने हीरे थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उन सबको उसमें एक पिरोने की कोशिश की गई, चाहे आप हो, पंकज कपूर हो, ओम पुरी हो, दलीप ताहिल हो, मतलब एक से एक, रोहिणी जी तो मुख्य किरदार में ही थी, अमरीश पुरी साहब ने भी किया था, आलोक नाथ हो, सबने किया था, सुप्रिया पाठक, नीना गुप्ता, तो इसके जब ऑडिशन हो रहे थे सर, तो क्या आप लोगों को क्या कहा गया था कि ऑडिशन कहाँ पे हुए थे, कुछ ये बता सकते हैं, क्योंकि ऑडिशन से सब लोग जा रहे होंगे और सब नहीं। हाँ, उस वक्त वो ऑडिशन का कोई जमाना नहीं था, आजकल ऑडिशन होते हैं, उस वक्त अपनी फिल्मों में भी उस हिसाब से ऑडिशन होते नहीं थे, न वहां होते थे। तो मैं अपनी बात करूं, और शायद सर रिचर्ड अटनबरो ने ऐसे ही सबकी कास्टिंग की थी, डॉली ठाकुर जी थी जो उनकी कास्टिंग डायरेक्टर थी, उनके साथ थी, तो यहाँ के जो एक्टर्स थे चाहे दिल्ली के हो चाहे मुंबई के हो या कहीं और को, वो उनसे मिलवाती थी और कहती थी कि ये प्रोबेबल कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो सर रिचर्ड अटनबरो दिल्ली आए थे, उस वक्त मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के साथ जुड़ा था, मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में ट्रेनिंग लिए, और उसके बाद उनके जो प्रोफेशनल विंग है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी कंपनी रंगमंडल जिसको बोलते, उसके साथ जुड़ा था, थिएटर कर रहा था। तो वो लोग दिल्ली आए थे और हमारा नाटक देखने आए थे, ताकि उनमें से कुछ एक्टर्स को अगर हो सके तो कास्ट करें। तो एक हमारा प्ले चल रहा था, मेरा भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल था, सर रिचर्ड अटनबरो उनकी टीम पूरी आई, नाटक देखा, नाटक उनको अच्छा लगा, मेरा परफॉर्मेंस भी उनको अच्छा लगा था, और पीछे हमें बैकस्टेज मुझे और हमारे साथियों को मिलने आए, और हम सबसे बात की, जो उनको उनको लगा कि ये फिट हो सकता है उन सबसे बात की, मेरे साथ भी बात की कि मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा है, अच्छा है, और मैं तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ, और मगर मुझे मेरे दिमाग में जो तुम्हारे लिए रोल है उसके लिए फिजिकल रिजेम्बलेंस भी होनी भी जरूरी है, इसीलिए एक मैं मेकअप टेस्ट दो चार करूंगा, अगर रिजेम्बलेंस में फिट हो जाते हो तो मैं तुम्हें कास्ट करूंगा, ये है, बाकी परफॉर्मेंस मुझे तुम्हारा अच्छा लगा। तो फिर हमारे टेस्ट हुए, दो तीन मेकअप टेस्ट हुए, वो उसमें जब कृपलानी जी उस वक्त यंग था, मैं भी यंग था, तो उसमें कृपलानी जी उस वक्त के थे, उसका जैसे उनको लगा कि ठीक लग रहा है, वो कैमरा से टेस्ट हुए, प्योरली मेकअप टेस्ट हुए, मेकअप करके वो टेस्ट कैसे लगते हैं आप, वो क्योंकि परफॉर्मेंस उन्होंने देख लिया था, तो वो टेस्ट में पास करने के बाद उन्होंने किया।